दोस्तों, टीवी का लोकप्रिय शो दिव्य दृष्टि इन दिनों बेहद ज्यादा धमाल मचा रहा है। इस शो की स्टोरी और कलाकार दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अगर बात करें इस शो के मोस्ट इंटरेस्टिंग किरदार की, तो वह रक्षित का किरदार है, जिसे टीवी एक्टर अद्विक महाजन निभा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षित का किरदार अद्विक महाजन से पहले टीवी के 5 पॉपुलर एक्टर को ऑफर हुआ था, लेकिन किसी न किसी कारणवश इन अभिनेताओं ने इस किरदार को करने से मना कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये अभिनेता कौन है। फर्स्ट नंबर पे है शरद मल्होत्रा। शो मेकर्स ने शरद मल्होत्रा से भी रक्षित के किरदार के लिए बात की थी, लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते उन्होंने भी इस किरदार को करने से मना कर दिया था। सेकेंड नंबर पे है जैन इमाम। टीवी के मोस्ट पॉपुलर अभिनेता जैन इमाम को भी रक्षित का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन उससे पहले ही वो टीवी सीरियल एक भ्रम सर्वगुण संपन्न को साइन कर चुके थे, जिसके चलते उनके हाथों से ही सुनहरा मौका निकल गया। थर्ड नंबर पे है मोहित रैना। टीवी के मोस्ट पॉपुलर एंड हैंडसम अभिनेता मोहित रैना को भी ये किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन अपनी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग में बिजी होने के चलते उन्होंने भी इस किरदार को ठुकरा दिया था। फोर्थ नंबर पे है करण टेकर। टीवी के हॉट अभिनेता करण टेकर को भी रक्षित का ये किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन ना जाने क्यों करण ने इस किरदार को करने से इनकार कर दिया था। फिफ्थ नंबर पे है वरुण सोबती। टीवी अभिनेता वरुण सोबती को भी रक्षित का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन वरुण ने इस किरदार को ये कहकर ठुकरा दिया कि वह फिलहाल टीवी की दुनिया से दूर रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन अभिनेताओं ने रक्षित के किरदार को करने से इनकार करके सही किया या गलत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।